वाह वाह वाह, क्या मौसम है। पता है अर्ली मॉर्निंग इतनी जबरदस्त बारिश हुई है ना, मज़ा ही आ गया। और बहुत तेज़ बारिश हुई है और कुछ गमलों में तो पानी अभी भी भरा होगा। बहुत अच्छी बारिश हो गई आज, थैंक यू भगवान जी। बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो कल का जो दिन रहा है वो तो आप सबको पता ही है, हमारे जो साथ वाले अंकल हैं उनको सडन एकदम से हार्ट अटैक आया, वो जो कि हमें बाद में पता चला। वो बाथरूम में थे और वो बाथरूम में गए और वहाँ जाके वो गिर गए। उनके बेटे ने उनको उठाया, बाहर निकाला, पानी वगैरह डाला और बस उसके बाद में वो हमें बुलाने आ गए कि देखना पापा को कुछ हुआ है तो आप मतलब कुछ कर सकते हैं हम। तो मैंने बोला कि लेके चलो इन्हें हॉस्पिटल। और लकीली मतलब कल रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे घर के पास हॉस्पिटल है वो सच में बहुत पास है। हम 3 से 4 मिनट में पहुंच गए, मतलब इतना भी पास नहीं है, लेकिन हाँ कल हमें 3 से 4 मिनट ही लगे पहुंचने में। रोहन ने जो गाड़ी भगाई है, लेकिन अंकल नहीं रहे क्योंकि 1 सेकंड ही लगता है भाई सच में, मतलब जान निकलने में 1 सेकंड ही लगता है। वो जा चुके थे और वहाँ से फिर हम लोगों को बहुत लेट हो गया आने में। और हम लोग ना कल फीडिंग भी नहीं कर पाए इसी वजह से, क्योंकि हम लोग मतलब जब गए उसके बाद में बहुत टाइम लग गया हमें आने में। तो एक ये रीज़न भी है कि हम लोग इसीलिए हाउस हेल्प भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जैसे कई बार हम घर पे नहीं होते हैं या अभी जैसे किसी इमरजेंसी में जाते हैं या किसी बच्चे को लेके जाते हैं। आजकल तो आप लोग देख रहे हो हम विस्की को लेकर कितना जाते हैं, तो हमें ऐसे एक हाउस हेल्प चाहिए जो घर पे रहे, नवाब के साथ भी रहे और पीछे से हमारे बच्चों की फीडिंग कर दे और कभी कभी हमारे लिए खाना भी बना दे, क्योंकि हम लोग ऐसे खाली पेट रह जाते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है हमें ऐसे। छोटू हो गया, काट क्यों रहे। रुक जा ना, वो घूमी जाना है आपको, तो उससे पहले गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा सबको, ये शर्त आज, नहीं तो आप जाओ। गुड मॉर्निंग करते हैं, कच्छ पहनो कच्छ। और ये पहना नहीं गया। गुड मॉर्निंग, गुड बॉय मेरा गुड बॉय। कितना पारा बच्चा है, साले किची ले लो इसकी, किची ले लो सबके सब किची ले। मैं भोलू को इधर आई हूँ बुलाने और भाई साहब उधर से निकल के आ रहे हैं। देखना वॉक कैसे कर रहे हैं, देखना कैसे चल रहे हैं, देखना कैसे चल रहे हैं। ओले ओले ओले, चलो वो की देखना भोलू को और कालू को, कालू लेके गया अंदर। भोलू जल्दी बाहर आ, इससे पहले कि तेरे पीछे लड़ाई हो जाए, जल्दी बाहर आ। कालू बाहर फटाफट, जल्दी जल्दी। ये देखो निकल के आएगा उधर से गेट से। भाई साहब सब तो पता है नहीं कि इधर से रास्ता है कि इधर से जाना है। आ गए, क्या करने गए पार्क में, क्या मतलब बनता है पार्क में जाने का, ये जगह कम है आपके लिए, देखो कितनी जगह है आपके लिए यहाँ पे खुली। आज मौसम कितना अच्छा हो गया बारिश के बाद में, नाबू भी इंजॉय कर रहा है। इधर कालू के तो खैर पैरों में कुछ है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन कुछ तो है, कहीं से भीग के आया ये आज तो, क्योंकि पानी ही पानी है ना हर जगह। और भोलू उधर कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ मिल गया है उसे। तो अब मैं लेके बैठी हूँ चाय, काफ़ी कुछ काम करके आई मैं, और चाय की जो वाइब है ये है, पूरा फील करके पी रही हूँ आज मैं चाय। और बारिश ना फिर से स्टार्ट हो गई। और हाँ आज ना तीज भी है, तो मेरा जो सिंदारा है वो गाँव पहुँचा है, क्योंकि मम्मी पापा गाँव में रहते हैं तो उनके पास गए हैं। मेरे पापा लेके आते हैं तो मम्मी पापा के पास, इस बहाने मिल भी लेते हैं दोनों समधी। और आज जो हरी चूड़ियों का काउंट है, काफ़ी लोग मेरी जो हरी, मैं जो हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ ना या चूड़ी जैसे पहनती हूँ, तो काफ़ी लोग नोटिस करते हैं कि दीदी आप हरी चूड़ी ही क्यों पहनते हो, तो भाई मुझे पसंद है। और दूसरी बात, आज जो ये काउंट है ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि तीज है, तो पूरा हाथ भर के पहनूंगी आज मैं। बैठ गया आगे, चाय पानी तो पूछ लूँ, आगे आगे बैठ गया। अरे मुझे करो, मुझे खुजली करो, लो बस ये है, इसको पटा लो, खुजली कर लो, इसको पटा लो, बस हो जाता है इसका। इतने में करो करो, आप क्यों रुक रहे हो, करो ना, वो कितना गंदा है यार तू। आ जाओ बेबी के साथ फोटो क्लिक कराना है। हाँ अभी मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मैं जाती हूँ ना तो मैं खाना बना के नहीं जाती, और आने के टाइम तक लंच टाइम हो जाता है और मैं खुद इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी कम हो जाती है और भूख इतनी ज़ोर से लग रही होती है कि खाना बनाने का ही मन नहीं करता।
और फिर उस टाइम पे बस थोड़ा जो एकदम इंस्टेंट बन सकता है वो बना के हम लोग खा लेते हैं। तो आज क्या है कि जो मेरे ऑटो वाले अंकल हैं वो कहीं लंबे किसी काम से चले गए, तो वो बोल रहे हैं कि मैं जाने में टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। खाना नहीं, मैं सब्जी बना रही हूँ, रोटी या चावल, चावल तो नहीं जाएंगे जो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी है सब्जी बनके एकदम। मैंने बनाया है पनीर मसाला ढाबा स्टाइल, अब पता नहीं कौन सा स्टाइल बना होगा पर बस बन गया। ये क्या हो रहा है भाई, कान धुलाई चल रही है कि बॉडी की सफाई चल रही है? कैसे भाई साहब, ऐसी क्या हो गया, कान करा कैसे कराता है अभी मच्छरों मुझे अभी मैं अपने स्पेस में हूँ। ये देखो इसने बेडशीट का क्या किया, हमारी बेडशीट कभी साफ थोड़ी रहती है ऐसे सीधी। नागिन देख रहा है क्या कर रहा है भाई, गिर जाएगा बेड से, क्या स्विमिंग से गर्म गिर जाएगा नाबू, गिर जाएगा। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं, यहाँ से करूंगा शुरू वापस जाके, उसका पता है बेस कहाँ पे है बेड का। तो अभी मैं लेके आई हूँ नवाब को घूमी घूमी कराने, और आज ना कुछ भी काम नहीं हो पाया जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने मतलब प्लान किया था कि आज तीज है, नए कपड़े पहनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन क्या है कि बच्चों का काम इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर लगता है कि ठीक है सब। तो आज का दिन ऐसे ही हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे। दूसरा आइटम, हाँ जी चलो डांस करके दिखाओ इसी बात पे। ये टेल देख रहे हैं, इसकी टेल 360 घूमती है इसकी टेल, ये देखो जिस कलर का खुद है ना, रुक जा उसी कलर की मिट्टी में लेके आता है। हे देखो मिट्टी, देखो ये कैसे लेके आता है मिट्टी, तो गोरी ले आया कर नवाब, छोटू नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, ऐसे बैठ जाऊंगा मैं, ऐसे देख के जाऊंगा, देखता जाऊंगी। विस्की विस्की नहीं बेटा नहीं, गाड़ी में आजा आजा आजा, आज तू भी जाएगा, आज हमारी गाड़ी में इतना ज्यादा माल लोड है, चलो चलो अंदर चल, चल अंदर चल बैठ। तो इधर हमारे गोलू जी, बस बस बस, इधर हमारी विस्की, ठीक है, और विस्की के साथ में छोटू, और उसके साथ में उसकी कन्वर्सेशन चल रही है, वो छोटू बता सकती है कि क्या बोल रही है इसको हमें नहीं पता। हाँ गाड़ी में बैठेंगे, है ना? तो डॉक्टर अनूप के आने के बाद में हम लोग पहुंच गए डॉक्टर पंकज के पास, क्योंकि छोटू को होनी है ड्रेसिंग और गोलू को भी ड्रेसिंग होनी, खुद से ही आ रहा है। कितना बार है बच्चे, चलो चलो बड़े डॉग्स आ रहे हैं, 9 केजी के हैं, 9 केजी के हैं, और ये भाई साहब 20 केजी के। और पहले आगे रोहन ने वेट चेक किया, फिर मैंने किया, फिर छोटू का किया, फिर गोलू का किया, पूरे सर आज पूरे टब्बर ने वेट चेक किया, हमें जैसे पता नहीं कितना खा रहे हैं हम लोग, है ना, काफी बेटर है ना। हाँ है, ज्यादा ही पैर चाटता है, मतलब मैं सच में परेशान हो जाती हूँ मेरे, मतलब हाँ, और वो तो इतने सर वो पीछे वाले बैकयार्ड में रहती है ना, और इतनी प्यारी है ये, सच में इतनी प्यारी है ये, बहुत बहुत प्यारी है। पहले दिन तो जब मैं इसको ले जाके रखा ना बाहर, तो ये ऐसे हो गई कि ये कहाँ मेरे को जेल सी में ऐसे तुम ले आए, ऐसे डर गई। फिर उसके बाद जब मैंने इसको खाना खाया उसके बाद तो कह रही आप ही हो मेरी सब कुछ। तो सर की चेयर के नीचे तुम्हें सुकून मिल रहा है, ठीक है बैठ रहो, अब फिर घर मत जाना, साथ में यही रहना आज।
आजा ट्री छोड़ दे, आजा आजा जा रहे हैं। छोटू पैक हो गया फिर से। विश्की दीदी थैंक यू। चलो गोलू आगे बैठो मेरे साथ, चलो चलो आगे, चलो चलो आगे, चलो चलो। कर रहे हैं कहाँ घूम के, कमीने मुझे नहीं लगेगा गाड़ी में। नहीं चाटना नहीं है, नो गंदी बात। अरे इसको पूरा ब्लड आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, आप तो मजे कर लेते भाई, आप तो मस्त सो रहे थे। आले, 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 आले। मम्मा पास तो आ जाओ। खुशबू गोलू की है बाबू, गोलू की। गोलू खुशबू देखो कपड़े कितने गंदे हो गए। हाँ ये ओले 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 ओले, ये कितना पाला गुड्डा है मेला, सबसे पाला बच्चा। अभी मुझे फीडिंग के लिए भी जाना है, उससे पहले मैं नाबू को वॉक करा रही हूँ एक बार, और फीडिंग करवा के आऊँगी मैं, क्योंकि रोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है रोहन को कल से। इवन कल से मतलब मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो सडन शायद मतलब हमने क्या हुआ कि अंकल लिटरली हमारे हाथों में गए ना, तो हम लोग ना पता नहीं बड़ा ऐसे होता है ना रियलिटी चेक सा, और ऐसे कि 10 मिनट पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक उनसे मिले और हमारे हाथों हाथों में चले गए, तो बड़ा रियलिटी से चेक हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा। सहम से गए हम लोग, मतलब मैं ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि कैसा कैसा फील हो रहा है। तो कल से ना हम दोनों ही बड़े गुमसुम से हैं ना आपस में, हम लोग आपस में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो बस अभी फीडिंग करके आऊँगी और फिर नाबू का वॉक, एक बार नाबू की वॉक अभी करा रही हूँ मैं। एक लास्ट टाइम जब उसको मैं सोने लगती हूँ ना, तो घर के जस्ट बाहर ही उसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ, क्योंकि जब से हम इस वाले घर में आए ना, तो मुझे इस चीज़ का बहुत सुख फील होता है। तो मैं बोलती हूँ कि फिर ठीक है ना, मेरा बच्चा जितनी बार घूमाएगा, जितनी बार सुसु कराएगा, उतना अच्छा। आज के लिए शुभरात्रि और हैप्पी तीज जिन जिन लोगों ने भी मनाई, आई होप सभी ने मनाई होगी और सबकी बहुत अच्छी रही होगी। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो। गुड नाइट।